अभी हमारे साथी कह रहे थे कि खेल में जाति और धर्म नहीं होता। सर, जाति तो है, जहाँ कक्षा एक से बच्चे के नाम के साथ सरनेम लगा होता है तो उस देश में जाति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हिमा दास जब मेडल लेके आई थी तो सबसे पहले उसकी जाति सर्च की गई थी। Nothing will go on record, मैं छोड़िए, आप मेरी तरफ देखिए। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, will go on record। कब तक एकलव्य का अंगूठा जो है सर कटता रहेगा? अब तो हमें अवसर मिलने चाहिए। वंदना कटारिया एक ऐसी बच्ची है, हमारे उस हॉकी प्लेयर, इतना अच्छा प्रदर्शन किया, फिर भी उसके घर के बाद जो है सर उसको बेइज्जत करने का प्रयास किया गया। गांव में प्रतिभा कमी नहीं है, इनको कुचला ना जाए, क्योंकि पक्षपात होता है सर, इस पक्षपात को खत्म किया जाए। सबसे पहले तो मैं पेरिस ओलंपिक खेलों में जाने वाले सभी खिलाड़ियों को आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से बधाई देता हूं, मंगल कामनाएं करता हूं, और सरकार का ध्यान मैं इस तरफ आकर्षित करता हूं कि अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के खिलाड़ियों के प्रतिनिधित्व पर भी उनको ध्यान देना चाहिए। हम ग्रामीण अंचल से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ना तो स्टेडियम है, ना स्पोर्ट कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटियाँ हैं, और प्रतिभा का कोई मोल ही नहीं है सर। हम खुद अच्छे खिलाड़ी थे मगर अवसर ही नहीं मिला। अब यहाँ आने में भी बहुत समय लगा, सड़कों पर संघर्ष करना पड़ा। इनकी स्पीच, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इन वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़े, इसके लिए सरकार को योजना चलानी चाहिए। अभी क्या योजना है उसमें? आपकी स्पीच तक सदन की कार्रवाई बढ़ाई जाती है, आपकी स्पीच तक सदन की कार्रवाई चलेगी। 6 बज रहा है, अच्छा ठीक, सदन समाप्त हो जाता है लेकिन आपकी स्पीच शुरू हो गई, तो आपकी स्पीच तक सदन की कार्रवाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कृपया तो सभापति जी 5 मिनट में कंटिन्यू। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना भी चाहता हूँ कि ग्रामीण अंचल और SC ST OBC के प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, तथा इस संबंध में कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है, और कितनी धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव, क्या उक्त श्रेणी खिलाड़ियों को पर्याप्त प्रशिक्षण के लिए सरकार द्वारा अलग से कोई प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है या किए जाने का प्रस्ताव, उक्त खेलों में अलग अलग स्पर्धाओं में उक्त श्रेणी के कुल कितने खिलाड़ियों को भेजे जाने का प्रस्ताव है, तथा इन सब खिलाड़ियों का श्रेणीवार कुल कितना प्रतिनिधित्व रहेगा। साथ साथ अभी हमारे साथी कह रहे थे कि खेल में जाति और धर्म नहीं होता। सर, जाति तो है, जहाँ कक्षा एक से बच्चे के नाम के साथ सरनेम लगा होता है तो उस देश में जाति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जाति के आधार पर मेरे आज भी याद है, हिमा दास जब मेडल लेके आई थी तो सबसे पहले उसकी जाति सर्च की गई थी, और वंदना कटारिया एक ऐसी बच्ची है, हमारे उस हॉकी प्लेयर, इतना अच्छा प्रदर्शन किया, फिर भी उसके घर के बाद जो है सर उसको बेइज्जत करने का प्रयास किया गया। सासा सर, साक्षी और विनेश के साथ क्या हुआ ये भी हम लोग नहीं भूले सर। मेरा मानना ये है, आप दादा आप बीच में, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। मैं छोड़िए, आप मेरी तरफ देखिए। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। मैं नगीना सहारनपुर सर, मैं उधर जहाँ से मैं आता हूँ सर, उस क्षेत्र में मैं गांव में जाता हूँ, बहुत प्रतिभाएं सर लेकिन अवसर नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है, आपके माध्यम सरकार से आग्रह कि वो देखे गांव में प्रतिभा कमी नहीं है, इनको कुचला ना जाए, क्योंकि पक्षपात होता है सर, इस पक्षपात को खत्म किया जाए। कब तक एकलव्य का अंगूठा जो है सर कटता रहेगा? अब तो हमें अवसर मिलने चाहिए, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय, और आपने मुझे मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सभा की कार्रवाई कल मंगलवार दिनांक 23 जुलाई 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीट का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीट फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीट फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।